हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का संदीप सर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यह आपका अपना परिवार है संदीप सर जी के। जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे बोल दूं कि ये जो चैनल है, यहां पर जीके, साइंस और करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस होती हैं, सुबह से शाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, यूपी के एग्जाम, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं के भी एग्जाम्स हो, बिहार के एग्जाम्स हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, या यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत चिंता, बहुत अफवाहें फैलती है ना मार्केट में। और एक और चीज़ बता दूं इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी दी जाती है। न्यूज़पेपर भरोसा नहीं करता, वेबसाइट पर नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई चीज़ आती है तो मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों में कि सर कब से, आखिर फाइनली कब से एनटीपीसी पेपर होगा। एक वायरल हुआ था उल्पटंग पेपर, नोटिस उल्पटंग गलत सा, फर्जी नोटिस वायरल हुआ था। एक हुआ कि सर वैकेंसी कम हो गई एनटीपीसी की। बच्चे बार बार मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर वैकेंसी कम हो गई क्या, नहीं हुई। अब मैं क्या बोलूँ उनसे, भाई ऑफिशियल तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम है। रेलवे को बहुत चिंता है, पता आप लोगों की, रेलवे बहुत चिंता करता है, वो सारी नज़र रख रहा है। रेलवे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी, वो सारी नज़र रख रहा है कि ताकि कोई गलत चीज़ ना फैले। आज आप देखेंगे, ये देखिए, आप ये सर्च कीजिएगा, आप वेबसाइट में जाइएगा, कौन सा वेबसाइट में जाइएगा, आरआरबी कोलकाता, मैं लिख देता हूं एक बार, आप सर्च कर लीजिएगा खुद, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है कि आप जाके खुद ऑफिशियल देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप एक काम कीजिएगा, वेबसाइट में गूगल में डालिएगा www.rrbkolkata.gov.in। आप ये सर्च करना, आप डालना www.rrbkolkata.gov.in। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद भाई साहब ये वाला पेज ओपन होगा। ये देखिए ऐसा एक पेज ओपन होगा, ये एक पेज ओपन होगा पूरा आरआरबी कोलकाता का। जब ये पेज ओपन होगा तो मैंने पहले, जब पहली बार मुझे एक बच्चे ने भेजा, मैंने यहाँ देखा यार यहाँ तो 17 अक्टूबर 2019 को लास्ट अपडेट दिखा रहा है। फिर मैंने देखा नहीं, यहाँ पर एक लाइन बार बार जा रही है, वो लाइन में जब मैंने क्लिक किया तो पीडीएफ डाउनलोड हो गया। ये देखिए लिखा है यहाँ पे क्या, कॉशन अगेंस्ट फेक रॉन्ग नोटिस इन्फॉर्मेशन और क्लिक हियर। जब ओपन करोगे, ये वाला पेज ओपन करोगे, तो यहाँ से एक लाइन बार बार ऐसे ऐसे जाएगी, बार बार ऐसे ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, उस लाइन में क्लिक करना। और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये बोलिए, ये देखिए ये पेज ओपन हुआ। जब मैंने इस पेज को ओपन करके पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता, इंपॉर्टेंट नोटिस, देयर मे बी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नोटिस बींग सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग नोटिस ऑफ आरआरबी। मतलब कुछ लोग फेक पोस्टर प्रचार कर रहे हैं, रेलवे का फेक नोटिस है, जो फर्जी नोटिस है वो प्रचार कर रहे हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इग्नोर सच इन्फॉर्मेशन और नोटिस। जो कैंडिडेट्स रेलवे वाले, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग नोटिस को ध्यान मत दीजिए। दे आर एडवाइज्ड टू फॉलो ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। जो हमेशा बोलता हूँ ना मैं कि आप लोग सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा किया करो। दे आर एडवाइज्ड टू फॉलो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस रिगार्डिंग एनी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। ये दिया है भाई साहब रेलवे में, सिर्फ रेलवे ने दो ही नोटिस दिए हैं। एक नोटिस दिया था उस दिन, क्या एक नोटिस दिया था, एनटीपीसी को पोस्टपोन करने का, ऑफिशियल था 14 अक्टूबर को दिया था, 14 अक्टूबर 2019 को मैंने उसका वीडियो किया था। एक और एक आज नोटिफिकेशन दिया है, किस चीज़ का, ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है उसके बारे में। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा भरोसा कीजिए। कभी भी न्यूज़पेपर कुछ भी चलते रहता है, कहीं फेसबुक में चल गया, व्हाट्सएप में आ गया, सब बकवास है। अब ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। देखिए रेलवे को कितनी चिंता है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे ने बकायदा नोटिस जारी किया आप लोगों के लिए कि फर्जीवाड़े में फंस रहा नहीं है। फिर से आप एक काम करना, ये वीडियो खत्म करने के बाद जाकर डालना www.rrbkolkata.gov.in। क्लियर है, यहाँ डालोगे तो डालने के बाद में ये खुलेगा पेज, यहाँ पर एक लाइन बार बार जाएगी, उस लाइन में क्लिक करना तो आपका ये वाला पेज खुलेगा। आराम से पढ़ लेना तो आपको भी इतमान होगा कि हाँ भाई साहब ऑफिशियल है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ऑफिशियल बनाता हूँ। जानकारी के लिए बता दूं कि सेम यही चीज़ कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने डाली थी, दो दिन पहले, लेकिन मैंने सोचा भाई न्यूज़पेपर है, कुछ भी करते रहते हैं, इस कारण से मैंने भरोसा नहीं किया। जब ऑफिशियल आया तो मैंने वीडियो किया आप लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जब भी कोई नया अपडेशन आएगा रेलवे आपको बताएगा वेबसाइट में, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो। एसएससी का सीजीएल वैकेंसी आने वाली है, कुछ लोगों ने वीडियो भी कर दिया शायद, ऑफिशियल मुझे तो कुछ नहीं दिखा तो मैंने वीडियो नहीं किया, अगर ऑफिशियल दिखेगा तो वीडियो कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक शेयर बच्चों का, जो हार्ट बीट बढ़ी, जो हार्ट अटैक बच्चों को आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, कम से कम थोड़ा सुकून मिलेगा कि चलो सर वैकेंसी कम नहीं हो रही है, सब कुछ फर्जीवाड़ा है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि कोई परेशान ना हो। मिलते हैं 8 बजे ज्योग्राफी वाली क्लास में, ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।